नमस्कार बच्चों, आज हम बीए सेकंड ईयर रीतिकालीन काव्य रूप के, जैसे कि लास्ट दो वीडियो में आपने गिरधर कविराय जी के जीवन परिचय के बारे में और उनकी कुंडलियों के बारे में हमने पढ़ा, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए गिरधर कविराय जी की कुंडलियों का हम आगे वर्णन करेंगे। गुरु के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा को किला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भये अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। सहस क्या होता है? हजार। नर मनुष्य, गाहक ग्राहक, ठाकुर स्वामी, अपावन अपवित्र, कोकिला कोयल, कागा कौवा, सहस हजार। ठीक है, गिरधर कविराय जी कह रहे हैं कि इस संसार में गुणों को ग्रहण करने वाले हजार मनुष्य होते हैं, गुणों की प्रशंसा करने वाले हजार मनुष्य होते हैं, बिन गुण लहे न कोई, और गुणों के बिना कोई भी किसी की प्रशंसा नहीं करता। आगे वो कह रहे हैं गुणों के ग्राहक हजार लोग होते हैं, परंतु बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति किसी की सराहना नहीं करता। जैसे कागा हो गया, जिस प्रकार जैसे आ गया, तो उदाहरण अलंकार, प्रयोग किया गया है जैसे, जिस प्रकार कौवा और कोयल, कोकिला क्या होती है? कोयल। जिस प्रकार कौवा और कोयल इनके शब्दों को सभी सुनते हैं। फिर से देखें, गुणों के ग्राहक होते हैं, ग्राहक हजार मनुष्य होते हैं, लेकिन बिना गुणों के कोई किसी की सराहना नहीं करता। जैसे कागा कोकिला, जिस प्रकार कौवा और कोयल इनके शब्दों को सभी सुनते हैं, कौवा और कोयल इनके शब्दों को सभी सुनते हैं, शब्द सुने सब कोई सभी सुनते हैं, कोकिला सभी सुनते हैं, कोयल के शब्द सबको सुहावने लगते हैं, मन को भाते हैं, दो को एक रंग, कौवा और कोयल, कौवा व कोयल दोनों का, कौवा व कोयल दोनों का एक ही रंग होता है, काले रंग के होते हैं ना दोनों, कौवा और कोयल दोनों का एक रंग होता है, काग सब भय अपावन। लेकिन जो कौवा होता है वो सबको क्या लगता है? अपवित्र लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें जो उसकी वाणी होती है वो कर्कश होती है, और कोयल की वाणी कैसी होती है? मीठी होती है। तो कोयल अपनी मीठी वाणी के गुण के कारण उसे हजार लोग उसके प्रशंसक बन जाते हैं, और कौवे की रंग तो सेम कोयल जैसा होता है, समान होता है, लेकिन कोयल का जो कौवा है उसकी आवाज कर्कश होती है, उसके इसी अवगुण की वजह से उसकी कोई भी सराहना नहीं करता। एक रंग होने के बावजूद भी वो सबको अपवित्र लगता है। गिरधर कविराय कहते हैं कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे मन के स्वामी, सुनो, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के, कि बिना गुणों के कोई किसी को स्वीकार नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता, और गुणों से सभी जिसके पास गुण हो उनके हजार मनुष्य ग्राहक होते हैं। फिर से सुने कि गुणों के ग्राहक हजार मनुष्य होते हैं, और बिना गुणों के कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता। जिस प्रकार कौवा और कोयल ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये शब्दों को सभी सुनते हैं, और सब सब सुनकर भी कोयल के शब्द सबको सुहावने लगते हैं, क्योंकि उसकी आवाज क्या होती है? मीठी होती है। अपनी मधुर कंठ के गुण के कारण वो सबको अच्छी लगती है। दोनों का एक ही रंग होता है काला, दोनों का एक ही रंग होता है, लेकिन कौवा सबको कैसे लगता है? अपवित्र, क्योंकि उसके अंदर उसका कष्टता का जो अवगुण है उसकी वजह से वो अपवित्र लगता है। कह गिरधर कविराय कि हे मेरे मन के स्वामी, सुनो, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के, बिना गुणों के कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता, और गुणों से जो ग्राहक होते हैं वो हजार मनुष्य होते हैं। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कवि
क्या है जगत का यही लेखा, करत बिगर जीव प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। साईं होता है स्वामी भगवान कि हे भगवान इस संसार में चारों तरफ क्या है मतलब का व्यवहार है। सब लोग क्या होते हैं मतलब ही होते हैं, मतलब से कोई किसी के साथ व्यवहार करता है। इस संसार साईं इस सारे संसार में हर कोई मतलब का व्यवहार करता है। जब लग पैसा ना जब तक हमारे पास पैसा रहेगा, गांठ में हमारे पास पैसा होगा तब तक हमारे अनेक मित्र बन जाएंगे। ज्ञान क्या होता है मित्र, तब तक हमारे अनेक मित्र बन जाएंगे। तब लग तक को यार तब तक हमारे अनेक मित्र होंगे और वो हमारे साथ ऐसी मित्रता गाढ़ी या प्रगाढ़ मित्रता जिसको कह सकते हैं प्रगाढ़ मित्रता निभाएंगे और हमारे साथ साथ घूमेंगे फिरेंगे हमारे साथ विचरण करेंगे। वो ऐसी प्रगाढ़ मित्रता निभाएंगे इस संसार के सभी मतलब का व्यवहार करते हैं। जब लग हमारे पास भी जब तक हमारे पास पैसा होगा तब तक सभी हमारे मित्र बने रहेंगे और ऐसी मित्रता निभाएंगे कि हमारे साथ ही साथ घूमेंगे फिरेंगे। पैसा ना हो यदि हमारे पास पैसा नहीं रहा यार मुझसे नहीं बोलते, जो वही हमारे जो मित्र हमारे साथ घुमा फिरा करते थे वो हमसे मुख से अपने मुख से हमसे बोलना भी बंद कर देंगे। गिरधर कविराय कहते हैं जगत का ये लेखा इस संसार का यही लेखा है यही नियम है। करत बेगर्जी प्रीति जो स्वार्थ रहित प्रेम करता है, बेगर्जी प्रीति स्वार्थ रहित प्रीति जो स्वार्थ रहित प्रेम करता है ऐसा मित्र कोई बिरला ही होता है अर्थात कोई अनोखा ही होता है। ऐसा मित्र कोई अनोखा मित्र ही होता है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता है। फिर से सुने हे साईं हे स्वामी इस संसार में सब तरफ मतलब का व्यवहार है। जब तक हमारे हाथ में पैसा होगा तब तक हमारे सभी मित्र बने रहेंगे और ऐसे मित्र बने रहेंगे कि वो ऐसी प्रकार मित्रता दिखाएंगे कि हमारे साथ ही साथ बोलेंगे अर्थात घूमेंगे। जब हमारे पास पैसा नहीं रहा तो वही यार वही मित्र हमसे मुख से बात नहीं करेंगे। गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार का यही लेखा है कि करत बेगर्जी प्रीति जो स्वार्थ रहित प्रेम करता है ऐसा मित्र कोई अनोखा ही मित्र होता है। पीवे नीर न सरवरो बूंद स्वार्थ की आस, केहरी तरण नहीं जग सके जो व्रत करे पचास। जो व्रत करे पचास विपुल गज युद्ध विदारे, सुपुरुष तजे न धीर जीव गुरु को मारे। कह गिरधर कविराम जीव जो दख भरी जीवे, चातक बरु मरी जाए नीर सरवर नहीं पीवे। इसमें कवि ने बताया है कि जिस प्रकार जो चातक पक्षी होता है चाहे वो प्यास से मर जाए वो तालाब कुएं या नदी का पानी नहीं पिएगा, वो तो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद बारिश की बूंद का पानी ही पिएगा। ठीक उसी प्रकार जो शेर है चाहे वो 50 दिन तक भूखा रहे लेकिन वो घास नहीं चर सकता घास नहीं खा सकता। ठीक उसी तरह उसके अंदर अगर वो 50 दिन तक भूखा रहे तो भी वह विशाल हाथियों के झुंड पर भी आक्रमण कर सकता है। इसी प्रकार जो अच्छे पुरुष होते हैं वो धैर्य का त्याग नहीं करते जीव गुरु को मारे चाहे उसको कोई मार दे तो ना दे। इधर कवि राय कहते हैं कि जीव जो दख भरी जीवे वे जीव चाहे लंबे समय तक जीते रहे चातक गुरु मर जाए चातक चाहे मर ही क्यों ना जाए लेकिन वो सरोवर का जल नहीं पीता। फिर से सुने कह गिरधर कवि राय जगत का यही लेखा गिरधर कवि राय कहते हैं संसार का ये सॉरी पीवे नीर न सरवरो बूंद स्वाति के कारण जो चातक पक्षी होता है नीर होता है जल कि वो सरोवर तालाब कुएं या नदी का जल नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसको किसकी आस होती है स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद की आस पर वो तालाब नदी या कुएं का पानी नहीं पीता चाहे वो प्यासा क्यों ना मर जाए लेकिन वो उसका तब तक इंतजार करता रहता है उस बूंद का जब तक कि उसकी बूंद नहीं बरसती। इसके अलावा उसके पास चाहे तालाब का कितना ही पानी रहता रहे उस पानी से अपनी प्यास नहीं बुझाता। केहरी तरण नहीं चर सके शेर जो होता है केहरी क्या होता है शेर घास नहीं खा सकता चाहे वो 50 दिन तक भूखा ही क्यों ना रह जाए।
होती है कि वो बड़े से हाथियों के समूह पर भी आक्रमण कर सकता है। इसी प्रकार जिस प्रकार शेर चीता अपना व्रत नहीं त्यागते और घास नहीं खाते, ठीक उसी प्रकार जो अच्छे पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो धैर्य का त्याग नहीं करते। जीव बहु कोई मारे चाहे और वो धैर्य का त्याग वो मर जाए या वो लंबे समय तक जीवित ही क्यों ना रहे, वो अपने धैर्य का त्याग नहीं करते। कह कहते हैं कि जो दर्द भरी जीवे चाहे वो लंबे समय तक जीते रहे, चातक बरु मर जाए। जिस प्रकार चातक व्यक्ति, चातक पक्षी जो है वो बिना पानी के मर ही क्यों ना जाए, लेकिन वो तालाब का जल नहीं पिएगा, क्योंकि तालाब के जल से उसको प्रेम नहीं है। उसका प्रेम स्वाति नक्षत्र के बादल की बारिश की बूंद से है। ठीक उसी प्रकार चातक पक्षी की तरह जो सज्जन पुरुष होता है वो भी अपने धैर्य को नहीं त्यागता, चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े या वो लंबे समय तक जीवित क्यों ना रहे, पर वो क्रोधित नहीं होता और वो चातक पक्षी की तरह मर ही क्यों ना जाए, लेकिन अपने धैर्य को नहीं त्यागेगा। जिस प्रकार चातक पक्षी तालाब के जल से अपनी प्यास नहीं बुझाता, ठीक उसी प्रकार सुपुरुष जो व्यक्ति होता है वो भी लंबे समय तक चाहे जीवित रहे या मर जाए, लेकिन फिर भी वो अपने धैर्य को नहीं खोता। नेक्स्ट, नारा कहे नदीन सन हम तुम सन सब एक समान, कछु हम तुम सन अधिक है अधिक हमारो मान, अधिक हमारो मान ताही सब वर्षा आए, बरसे नील जरा जल मने उबार न पाए। कह गिरधर कबीराय सुनो हो भाई पारा, समय परे की बात नदी कह सिख में नारा। अब नारा क्या होता है, नाला, बारिश का नाला होता है, नहरों का। नदी क्या होता है, नदी। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि समय की बात होती है, समय का उल्टफेर होता है कि जो तुच्छ वस्तु है वो भी किसी बड़ी और सम्माननीय वस्तु को शिक्षा दे जाती है, जो तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति है उसका भी मान हो जाता है, समय समय की बात है। तो इसमें इसी चीज की शिक्षा देते हुए कवि गिरधर राय समझा रहे हैं कि नाला जो है वो नदी से कह रहा है कि हम और तुम एक समान है, क्योंकि तो तुम्हें भी जल रहता है, हमें भी जल रहता है, तो नाला नदी से कह रहा है कि हम और तुम एक समान है। कछु हम तुम से अधिक है, नदियों से नालों की संख्या अधिक होती है कि हम तुमसे अधिक है और हमारा मान भी तुमसे अधिक है। अधिक हमारा मान ताही तब वर्षा, अधिक मान हमारा ऐसे है कि जब वर्षा आती है, बरसे जब लगातार झराझर नील बरसता है, ये मतलब जल, बारिश आती है तो पानी बरसता है, मने उबार न पाए तो हमें कोई भी पार नहीं कर पाता, उबार मतलब पार नहीं कर पाता। कह गिरधर कबीराय, गिरधर कबीराय कह रहे हैं सुनो हो भाई पारा किए, मेरे मित्रों है मेरे प्यारे भाइयों सुनो, समय पर एक ही बात, समय की ही बात है, समय पड़ने पर कि नदी क्या सिखवे नाला, जो नाला है वो किसको सिखा रहा है, नदी को शिक्षा दे रहा है। फिर से सुनेंगे कि छोटे से छोटे व्यक्ति का भी समय आता है तो वो बड़े को शिक्षा दे सकता है। नाला कह रहा है नदी से कि हम और तुम सब एक समान है, जिस प्रकार तुम्हें जल रहता है हमें भी जल विद्यमान रहता है, हम कुछ तुमसे अधिक है क्योंकि हमारी संख्या तुमसे अधिक है, नदियों से हमेशा नाले की संख्या अधिक होती है, अधिक हमारो मान और हमारा मान भी तुमसे अधिक है। इसीलिए जब वर्षा ऋतु आती है या वर्षा आती है और झराझर बारिश बरसती है तो कोई भी नाले को पार नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें पानी की गति बहुत तेज हो जाती है और इसके बदले जो नदी होती है उसकी उसको कभी भी कोई भी पार कर सकता है। कह गिरधर कबीराय, गिरधर कबीराय कहते हैं कि हे मेरे प्यारे भाइयों सुनो, समय पड़ने की बात है कि नदी को नाला शिक्षा दे रहा है। अगला भी इसी से संबंधित है, छोटा बड़े को शिक्षा दे रहा है। मूसा कहे विलास हो सुन रे झूठ जुठैर, हम निकसत हैं सैर को तुम बैठत हो गैर, तुम बैठत हो गैर कचरी दमकन सो जे हो, तुम हो निपट गरीब कहां घर बैठे खै हो। कह गिरधर कबीराय बात सुने हो हसा, बाउ दिनन का फेर बिना रे सीखवे मूसा, कि वही समय का फेर है, समय का वही बदलाव है कि चूहा बिल्ली को शिक्षा दे रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि चूहा बिल्ली के सामने खड़ा हो जाए, लेकिन समय समय की बात है कि आज चूहा किसको शिक्षा दे रहा है, बिल्ली को शिक्षा दे रहा है। मूसा क्या है, चूहा, बिलाल बिल्ली,
झूठों के सरदार, मतलब उनको झूठेला इसलिए कहा गया कि झूठों के सरदार होना। इसने चूहे ने बिल्ली को, हम लिख सकते हैं सैर को, चूहा कह रहा है कि हम सैर के लिए निकलते हैं और तुम हमारा रास्ता रोक कर रास्ते में गली में बैठ जाते हो। मूसा कहीं बिलाल से, चूहा बिल्ली से कह रहा है कि हे झूठों के सरदार सुनो, हम लिख सकते हैं सैर को, हम सैर के लिए निकलते हैं और तुम गली में बैठ जाते हो, हमारा रास्ता रोक लेते हो। तुम गली में बैठते हो तो कहीं हम इतनी अधिक संख्या में कि हमारे द्वारा धक्के दिए जाने पर तुम कुचले न जाओ। समझ आई कि बिल्ली रास्ता रोक रही है चूहों का, लेकिन चूहा कह रहा है कि तुम हमारा रास्ता तो रोक रही हो लेकिन हम संख्या में कितने अधिक है कि कहीं तुम हमारे धक्कों से कुचली न जाओ। यहाँ पर चीज लिखा है उसका मतलब है कुचलना, कुचले न जाओ। तुम हो निपट गरीब पर क्या कर सकते हैं कि तुम अत्यधिक गरीब हो, कहां घर बैठे इसलिए तुम घर बैठकर खा भी तो नहीं सकती, तो तुम्हें बाहर तो आना ही पड़ेगा। कह गिरधर कवि राय बात हो सुनिए हंसा, कि हे गिरधर कवि राय कहते हैं कि हंसते हुए मेरी बात को ध्यान से सुने। बहु दिनन का फेर, समय का यही फेर है कि बिल्ली को आज चूहा शिक्षा दे रहा है। बिलाल सीखवे मूसा, बिल्ली को आज कौन शिक्षा दे रहा है, चूहा शिक्षा दे रहा है। फिर से सुने, चूहा बिल्ली से कह रहा है कि हे झूठों के सरदार सुनो, हम लिख सकते हैं सैर को, हम सैर के लिए जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो तुम हमारे गली में रास्ता रोककर बीच में बैठ जाते हो, और तुम इस प्रकार बैठ जाते हो तो हमें ये खतरा है कि हमारे द्वारा धक्के दिए जाने पर तुम कुछ ले ना चले जाना, तो लेकिन तुम कर भी क्या सकते हो, तुम अत्यधिक निपट अत्यधिक, तुम अत्यधिक गरीब हो और घर बैठकर खाओगे क्या, तो तुम्हें खाना नहीं प्राप्त होगा तो तुम्हें बाहर आना पड़ता है। इसलिए गिरधर कवि राय कहते हैं मेरी बात सोचते हुए ध्यान से सुने, कि समय का भाव दिनन, समय का फेर है कि आज चूहा शिक्षा दे रहा है बिल्ली को। तो समय का फेर होता है, तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी बड़ी से बड़ी सीख दे सकता है, बड़े से बड़े व्यक्ति को, अपने शत्रु को भी, कि जैसे बिल्ली और चूहे की एक प्रकार शत्रुता होती है लेकिन फिर भी चूहा छोटा होने के बावजूद, बिल्ली के बड़े होने के बावजूद उसको शिक्षा दे रहा है। आज का विषय इतना ही, आज हमने 13 पैराग्राफ कर लिए हैं, पार्ट 3 हो गया है कुंडलिया गिरधर कवि राय का। थैंक यू।